दोस्तों सभी भाइयों को बंदे मातरम एमपी पुलिस में अब असली खेला स्टार्ट होने जा रहा है जिसे अभी बहुत सारे लोग यहां पर समझ नहीं पा रहे हैं जो खेला यहां पर होगा उससे बहुत सारे लोगों को यहां पर डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा और जो नंबर जिनके अच्छे हैं जिनको नंबर जो तो अस्सी से पचासी का जो नंबर जो स्कोर कर लिया है रिटर्न में वो अगर ये सोच रहे होंगे कि मेरा ही फाइनल होगा तो ऐसा शायद ना हो तो इसलिए आपको यहाँ पर जो खेला होने वाला है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ तो कि कैसे कम नंबर वाला यहाँ पर सिलेक्शन ले सकता है सिलेक्शन लेने की बात यहाँ पर अगर मैं बात करूँ देखिए कम नंबर जैसे मान लीजिए जो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है आपने यहाँ पर देख लिया होगा पटवारी में देखा होगा आपने बहुत सारे एग्जाम में यहाँ पर आपने डायरेक्ट देखा है कि दस दस नंबर सात सात नंबर को कैसे यहाँ पर प्लस और माइनस हो जाता है तो सेम चीज अभी इसमें होने वाला है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो होगा एम पी में वो रिटर्न मार्क्स में ही होगा आपको ये पता होगा कि इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें तो फाइनल मार्क्स में नॉवलाइजेशन होना संभव नहीं है क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि फिजिकल के मार्क्स के नॉवलाइजेशन क्या करेंगे क्योंकि फिजिकल तो सभी के लिए बराबर का लेवल है ना उसमें कोई ये नहीं है कि आपको पेपर का सिप्टे कठिन था तो ऐसा उसमें कुछ नहीं होने वाला क्योंकि वो आपको सब कुछ पहले से ही पता है तो उसमें यह है कि कम से कम पूरा और टोटल जो 200 सौ नंबर रहेगा उसमें नॉर्मलाइजेशन ना हो के आपका जो पहले क्या होता था केम पी पुलिस में बाद में भी एक नॉर्मलाइजेशन होता था हालांकि ऐसा देखने को मिला था लेकिन यहां पर बता दूं कि एक जो ये चीज़ है ये अंदर की बात है कि इस बार जो है तो दो नंबर की मैड बनेगी जिसमें आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो लास्ट में नहीं होगा बल्कि अभी जो नॉर्मलाइजेशन है उसकी प्रक्रिया अभी केवल एक बार यहाँ पर देखी जा सकती है जिसमें आप देखोगे कि जिनका अस्सी नंबर है तो हो सकता है कि उनका नंबर घट के सत्तर हो जाए और सत्तर वाले का अस्सी नंबर हो जाए ये कोई जो तो अगर ऐसा होता है तो कोई ये नहीं है कि मतलब आपको चकित हो जाना है इसमें ये बहुत ही नॉर्मल चीज है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा गेम होता है तो इसमें बहुत सारे आदमी यहाँ पर फंसने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका नंबर काफ़ी ज़्यादा है वो इनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात की कि जो मेरा ही सिलेक्शन होगा लेकिन इस बार आपको बहुत सारी यहाँ पर खबर निकल के आ रही है कि एक सौ तेरह परसेंट जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा मतलब बात क्लियर ये है कि जो भी भर्ती रहेगी उसका वन वन थ्री परसेंट यानी आपका टोटल पोस्ट का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा क्योंकि तेरह परसेंट होल्ड करने का कोई मतलब अभी नहीं है मैं बात करूँ यहाँ पर तो जो कट ऑफ इसके कारण कट ऑफ भी थोड़ा सा यहाँ पर डाउन जाएगी क्योंकि ज़्यादा बच्चों को शामिल किया जाएगा और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर अस्सी नंबर वाला फाइनल या फिजिकल में नंबर कम लाता है चालीस नंबर ही ला पाता है तो इसको होल्ड में कर दिया जाएगा क्योंकि ओवरऑल जब मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें ही जो तो सतासी परसेंट को ले जाएगा तेरह परसेंट को होल्ड किया जाएगा जिसमें तेरह परसेंट में ये बच्चे भी हो सकते हैं जिनका अस्सी नंबर यहाँ पर रिटर्न में आया हुआ है तो इसमें ज़्यादा कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो खुशी हो रहा है कि मेरा अस्सी नंबर है तो मेरा ही सेक्शन होगा तो वो कहीं ना कहीं ये गलत है अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो मार्च और अप्रैल में बहुत बड़ी अपडेट एक निकाल के आ रही है थोड़ा सा मैं आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ देखिए सबसे पहले तो आप ये मानो कि एम पुलिस का जो फिजिकल है वो कभी भी मतलब जैसे रिजल्ट आता है जैसे आप देखोगे कि व्यापम की जो साइड है ई एस की साइड को लास्ट बार तेईस तारीख को अपडेट किया गया था शाम को साढ़े पाँच बजे यहाँ पर व्यापम की साइड को अपडेट किया गया जिसमें आपको जो तो कैबिट नोटिस वगैरह जो भी है यहाँ पर आ चुका है ग्रुप फोर का और जो तो एम पुलिस का तो कैबिट नोटिस अभी नहीं आ डाला है बट अगर मैं बात करूं कि लास्ट का जो अपडेशन हुआ था ए एस की साइट को वो साढ़े पाँच बजे शाम को किया गया था तेईस तारीख को इसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया गया है हाँ अब अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रिजल्ट है क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी रिजल्ट जारी किया है इन्होंने तो दो से तीन दिन के जैसे इन्होंने जो तो कैबिनेट नोटिस डाला या अशुद्धि पत्र जो डाला उसके दो से तीन दिन बाद इन्होंने क्या किया कि उसका फाइनल रिजल्ट डाल दिया तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी होने वाली है आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मान के चलो कि अगर आपको आज मानो कि पच्चीस फरवरी है तो उनतीस फरवरी तो आपको लास्ट ही मान के चलना है क्योंकि तो देखिए होता क्या है कि फिजिकल के लिए आपको इस बार ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा उस हिसाब से क्योंकि बहुत ज़्यादा झमेला ऑलरेडी हो चुका है तो ये सब होगा नहीं और फिजिकल इस बार बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है तो इनको भी पता है कि फिजिकल में टाइम देना पड़ेगा दस सेंटर में फिजिकल होने वाला है तो फिजिकल के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तीस से पैंतीस दिन के अंदर आपको वापस से फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर आपको जो रिजल्ट है इसके बाद यहाँ पर आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा एडमिट कार्ड आपका रिलीज होने लगेगा तो अभी मैं क्या बात करने वाला हूँ देखिए ये जो 113 सौ परसेंट के जो रिजल्ट की बात की जा रही है तो इसके बारे में अगर बात करूँ तो इससे कटाव जो है तो बहुत ही लो जाने वाली है ये जो 113 परसेंट है इसको आप मान के चलो कि जो भी बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट नहीं भी होने वाले थे वो भी यहाँ पर आ जाएंगे और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जिसका अस्सी नंबर है उसका सेवनटी टू नंबर भी हो जाएगा और सत्तर नंबर वाले का सेवनटी फाइव नंबर या सेवनटी सेवन नंबर भी हो सकता है क्योंकि सात से आठ नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ना ये कोई जो है तो आम बात है ये आराम से बढ़ ही जाता है क्योंकि पेपर का लेवल ऑलरेडी यहाँ पर आपको पता होगा कि लगभग बीस से पच्चीस दिन पेपर चलता है तो इसमें आपको जो तो है तो टफ़ शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट देखने को मिलती है जिसमें जो है तो लड़कों को फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि 113 सौ तेरह अगर रिजल्ट जारी करते हैं तो कट ऑफ तो लो जाएगा ही जाएगा बाद में जो जो बच्चे यहाँ पर 60 नंबर लाया है रिटर्न मार्क्स में उनको फायदा ये मिलेगा कि अगर ये लोग 80 नंबर फिजिकल में ला लेते हैं तो ये 140 में पहुँच जाएंगे मतलब ये 140 में पहुँच जाएंगे बट अगर ये अस्सी नंबर जो तो रिटर्न में जिसने लाया है ये अगर चालीस नंबर ही ला पाता है फिजिकल में तो ये सौ नंबर में ही रहेगा तो जो तेरह परसेंट में होल्ड में जाएगा वो ये जाएगा मतलब जो अस्सी नंबर रिटर्न में लाया था वो तेरह परसेंट में होल्ड में जाएगा और जो बच्चा बेचारा कम नंबर ला पाया रिटर्न में उसको अगर मौका मिलता है तो वो फिजिकल में अपनी ताकत दिखा के और अपने आप को साबित कर देगा और आपका फाइनल सिलेक्शन ले सकता है ये बहुत बड़ी एक जीत हुई जो बहुत बोलते थे कि मतलब मेरा कटाप जो तो नंबर बहुत कम है डीमोटिवेट होते थे एक प्रकार से उनका जो तो मन जो है तो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था या उनको फिजिकल करने का कोई इच्छा नहीं पड़ रही थी तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि देखिए दोस्तों एक बार ये मौका मिला है इस मौके को आप आखिरी मौका साबित कर सकते हो आपके पास बहाना बनाने के लिए हज़ार चीज़ें हैं लेकिन अगर बहाना नहीं बनाते हो तो ये आपकी ज़िंदगी का आप मान के चलोगे दो हजार दो और दो की जो लास्ट भर्ती थी वो किस तरह से कम्प्लीट हुई है कितना ज़्यादा यहाँ पर आपको जो है तो परेशानियाँ झेलना मिला है और प्लस ई ने अभी कितना ज़्यादा आपको परेशानियाँ दिया है तो आप जो ये 2024 की भर्ती है इसको आप आखिरी भर्ती अपनी साबित कर दो अगर आपका फिजिकल में नाम आता है तो आप तो मैं बोलता हूँ कि इसको आखिरी भर्ती आपको साबित कर देना है और 2024 अगली जब भर्ती है तो आपका कम से कम एक से दो साल पूरा हो जाए आप खुशी से आपको ड्यूटी करना पड़े ग्राउंड में आप ड्यूटी करो जब बच्चों का फिजिकल हो क्योंकि बेरोज़गारी चरम सीमा पर है जो भी है तो कंपटीशन बढ़ रहा है उम्र बढ़ रही है लोग बढ़ रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है और नौकरी घट रही है तो बेसिक सी बात है कि जो जॉब है वो बहुत मिलना टफ हो रहा है धीरे धीरे बच्चों जो है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा जा रहा है आपको चीज़ पता होगा कि एम पी प्ली से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कभी फिजिकल के नंबर जोड़े जा रहे हैं तो कभी कुछ यहाँ पर किया जा रहा है कभी वन बन वीर बनाए जा रहे हैं तो हो सकता है आगे चल के ऐसा कुछ सिस्टम अगर लागू हो जाता है तो आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी इससे अच्छा है कि आप अभी से जो भी है तो तैयारी में जान झोंक दो और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिनका भी नंबर कम है ठीक है जिनका थोड़ा सा नंबर कम है उनको भी अपनी ताकत लगा देना है क्योंकि इस बार 113 परसेंट में आप देख सकते हो कि 113 परसेंट में जो रिजल्ट जारी किया जाएगा आपने देख लिया होगा पेपर के कटिंग में भी सब चीजें बताया गया है तो 60 नंबर वाले को इतिहास रचने का टाइम है भी। अगर आपका 60 नंबर है तो आप इतिहास रख सकते हो क्योंकि साठ नंबर वाले के बहुत से लोग देख के ये खुश होते होंगे कि इसका साठ नंबर है इसका सिलेक्शन नहीं होगा अस्सी नंबर वाले जरूर उनके मन में ये चीज कभी न कभी आ जाता है और साठ नंबर वाले को इस चीज़ का दुख रहता है हमेशा मलाल रहता है कि मेरा साठ नंबर ही रह गया हो सकता है कि मेरा दो चार दस नंबर और होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता लेकिन साठ नंबर वाले को इस बार भगवान ने सुन लिया है सरकार ने सुन लिया है कि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है इस बेचारे का अगर पेपर थोड़ा सा कठिन था तो अस्सी नंबर वाले का माइनस करके इसको दिया जाएगा तो मतलब अगर इसको सत्तर नंबर भी दे दिया जाता है तब ये बाट लगा सकता है तो सस्सी नंबर वाले की वो कैसे लगाएगा वो फिजिकल में अपना दम दिखाना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको फिजिकल में जो है तो दम दिखा के मेहनत करना पड़ेगा मान लीजिए आपका साठ से पैंसठ नंबर आपका हो जाता है रिटर्न स्कोर इसके बाद आपका जो तो फिजिकल में हो जाता है पैंसठ से आपने मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़े समय आपने रिटर्न का पाँच नंबर आपको प्लस पॉइंट मिल गया ठीक है इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है मतलब आपको फिजिकल के लिए कॉल आ जाता है तो पैंसठ में आप कम से कम टारगेट आपको ये रखना है कि सत्तर से अस्सी का फिजिकल आपको कम से कम करना है बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत उन्नीस बीस हो सकता है लेकिन अगर आपको यू आर कैटेगरी से मैं मान के चलता हूँ तो आपको कम से कम डेढ़ सौ मार्क्स ओवरऑल आपको लाना ही लाना है तभी आप फाइनल सेक्शन की सोचो तो इस तरह से अगर आप पैंसठ नंबर भी पहुंच रहे हो तो कम से कम आपको पैंसठ में यहाँ पर देख सकते हो कि एट्टी फाइव नंबर अगर आप एड करते हो पाँच पंद दस आउटसेट यहाँ तो एट्टी फाइव नंबर अगर फिजिकल में भी आप ला लेते हो तो आप फाइनल सेलेक्ट हो इससे नीचे अगर आप ला रहे हो तब फिर आपको जो है तो कोई बचा नहीं सकता है कि आप बाहर ही हैं या फिर होल्ड में जाओगे तेरह परसेंट में आप चले जाओगे तो जिंदगी नरक हो जाएगी अब ऐसा नहीं है कि नरक की मतलब कि बर्बादी हो जाओगे बट कोई उसमें वो नहीं है कब तक झमेला में फंसे रहोगे कोई मतलब नहीं है इससे अच्छा है कि पाँच नंबर दस नंबर जो भी अभी आप फिजिकल में सत्तर रहे तो कर रहे हो तो पाँच नंबर बढ़ाओ अस्सी कर रहे हो तो पाँच नंबर बढ़ाओ मतलब जितना ज़्यादा हो सके कि पाँच से दस नंबर खींचने की कोशिश करो और जो भी काम है अभी बंद कर दो जो भी चीज़ें हैं आपको फिजिकल में भी ध्यान देना है प्रॉपर जो कम नंबर वाले हैं मतलब जो पचास से पचपन वाले हैं अगर वो यश टी एस टी से आते हैं उनको भी फिजिकल करना है क्योंकि ये पचास वाला का साठ भी हो सकता है पचपन वाले का भी यहाँ पर पैंसठ नंबर हो जाएगा क्योंकि ये जो नंबर है वो अस्सी वाले से कटौती करके आपको दिया जाएगा मतलब नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा यहाँ पर गेम खेल हो सकता है आपके साथ तो फिर आपको ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े कि मेरा जो है तो नंबर आ गया लेकिन मैं फिजिकल में स्कोर अब नहीं कर पाता कर सकता तो आपको अभी जो भी टाइम है उसको आपको एकदम इम्पोर्टेंट टाइम मान के चलना है और मैं थोड़ा सा अभी आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ देखिए थोड़ा सा मैं भर्ती की जानकारी दे दूँ कि आखिर कितनी पोस्ट में तो देखिए यहाँ पर अगर बात करोगे तो आपको यहाँ पर बता देता हूँ देखिए जो दो हज़ार की जो भर्ती निकाली गई थी इसमें आपको देखोगे कि जो पद है वो आरक्षक सामान्य ड्यूटी के लिए जनरल ड्यूटी के लिए है प्लस आरक्षक यहाँ पर विशेष सशस्त्र बल यानी एसएसएफ के के पोस्ट लिए है स्पेशल आर्म फोर्सेस जिसमें देखोगे आप कि यहाँ पर सामान्य ड्यूटी के लिए जो टोटल पोस्ट है वो यहाँ पर देखोगे कि थोड़ा सा यहाँ पर ओवरऑल दिया गया है तो ओवरऑल सात हजार नब्बे पोस्ट दिया गया है कि टोटल दोनों मिलाकर सात हजार नब्बे पोस्ट है बाकी यहाँ पर देखोगे कि जो विशेष सशस्त्र बल यहाँ पर है जनरल ड्यूटी के लिए कितना है तो छब्बीस मतलब जो सबसे कम पोस्ट है वो जनरल ड्यूटी में दो हजार पोस्ट निकाली गई है जिसमें टोटल भर्ती में ही रिजल्ट आने वाला है तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है कि मेरा इसमें होगा कि नहीं होगा कटाव तो बहुत ही कम जाएगी कोई इसमें डाउट नहीं है ईड्ल्यू एस मा बाकी आने के टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा थोड़ा सा मैं यहाँ पर और आपको दिखा देता हूँ देखिए जनरल ड्यूटी को छोड़ने के बाद आपको विशेष सशस्त्र बल आप छोड़ते हो जनरल ड्यूटी में जिसमें आपको देखोगे कि चार हजार चार सौ चवालीस पोस्ट यहाँ पर जनरल ड्यूटी को यहाँ पर रिक्वायरमेंट यहाँ पर किया गया है जिसमें आप देखोगे कि टोटल ही रिजल्ट जो है तो आपको जारी किया जाएगा ऐसा नहीं है कि कोई भी रिजल्ट होल्ड किया जाएगा कोई भी रिजल्ट यहाँ पर होल्ड नहीं किया जाएगा टोटल भर्ती में यहाँ पर जो है तो रिजल्ट होल्ड जो है तो जारी किया जाएगा तो आपके पास ये मौका है कि आप जो सात हज़ार नब्बे पोस्ट है इसमें आप अपनी जो है तो एक सीट कंफर्म कर लें इस बार और ये दो हज़ार चौबीस में आप एक जॉइनिंग ले लें जॉब ले लें सरकारी जॉब और अपने माँ बाप का सपना पूरा करें और अपनी जर्नी को ख़त्म करें क्योंकि बार बार वही झमेला करने से अच्छा है कि एक बार जितना भी हो सके तो हंस लो ये रो लो क्योंकि करना तो है ही आज नहीं तो कल करोगे अभी आपने देखा होगा कि लेटेस्ट में यूपी पुलिस का ही पेपर लीक हो गया तो ये सब चीज़ें पता नहीं आगे क्या होगी कुछ भी मालूम नहीं है और कहीं ना कहीं कठिनाई तो होना ही है गवर्नमेंट जॉब पाने में तो जिसको भी नंबर आता है और नंबर तो आना ही आना है सात हज़ार नब्बे भर्ती खाली तो जाएगी नहीं सात तो हजार नब्बे में जिनका बॉर्डर एरिया में है पैंसठ सतसठ या सेवनटी टू सेवनटी वन इस तरह से नंबर है तो आपको अभी कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पॉजिटिव ये दिमाग में रखना है कि मेरा पाँच से दस नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं अगर आप पैंसठ हो तो आप सत्तर मान के चलो अपना या आप जो तो यहाँ पर सत्तर नंबर हो तो आप पाँच नंबर मान के चलो तो सेवेंटी फाइव मान के चलो तो इस तरह से अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट जो तो फायदा होने वाला है और ये जो तो भर्ती को लास्ट करने में बार बार यही चीज़ बोलूंगा कि रिजल्ट तो एक दो दिन में आ ही जाएगा तो अभी आपको क्या है क्योंकि गर्मी भी पड़नी है मार्च अप्रैल में आपको फिजिकल भी करवा दिया जाएगा मार्च में आपकी ये मान चलो कि लास्ट वीक मार्च में हो सकता है आपका फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा प्लस रिजल्ट आने के बाद आपको कम से कम ये तो आप मान के चलो कि रिजल्ट आने के बाद आपको कम से कम तीस दिन से ज़्यादा अगर टाइम मिलता है तो ये बहुत मुश्किल है बहुत ही कम चांस है कि आपको तीस दिन से ज़्यादा टाइम मिले और आप उनके खिलाफ अगेंस्ट जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत दिनों से आप खुद हड़ताल कर रहे हो तो बाद में आप इस चीज़ को नहीं कर सकते और ज़रूरी भी है क्योंकि आप देखोगे कि आगे बरसात आ जाएगा और गर्मी मार्च के बाद यहाँ पर अप्रैल के बाद मई जून में अच्छी खासी गर्मी भी पड़नी लगती है और पड़ने लगती है और सौ नंबर के लिए आप लड़ाई लड़ोगे तो सौ नंबर के लिए आप जान झोंकोगे तो क्योंकि पिछले चक्कर क्या होता था कि आपको पास बस होता पड़ता था लेकिन इस बार आपको अगर तो रनिंग करना है तो 40 नंबर का अगर आप सपना लेके चल रहे हो तो 35 नंबर भी अगर आपको लाना है तो इसमें पसीने आपके छूट जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा आप नहीं झेल पाओगे ये आप मान के चलो तो कहीं ना कहीं जो फिजिकल होगा बहुत ही जल्दी होने वाला है तो ओवरऑल अब मैं बात करूँ तो जो भी जिनका नंबर कम है आज का ये जो वीडियो है जिनका नंबर कम है वो जरूर अपना ट्राई करे फिजिकल में आप रनिंग में ट्राई करिए मतलब कहीं ना कहीं आपको जो नंबर आता है तो वो आपको ये चीज दिमाग में बैठा के रखना है कि टॉपर का अगर अस्सी नंबर रिटर्न में आया है तो मेरा नंबर यहाँ पर रिटर्न में साठ ही आया है तो मैं यहाँ पर अस्सी नंबर लाऊंगा ये अगर आप ठान लेते हो तो कहीं ना कहीं आप इनसे जो है तो इनको आप पीछे छोड़ देंगे और अगर नॉर्मेसन में फ़ायदा होता है तो आप इनको 100 परसेंट पीछे छोड़ जाएंगे तो ये एस नंबर वाला भी होल्ड में जा सकता है क्योंकि इसका नंबर अगर घटा पाँच से दस नंबर तो ये फिजिकल में अगर चालीस नंबर लाता है तो ये फिर होल्ड में जाएगा तेरह परसेंट में चला जाएगा और आप सिलेक्शन ले जाएंगे तो बस आपको ये गांठ बांध के चलना है